इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और बिहार सरकार में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव के आवास से सामानों की चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। बता दें आपको कि ये मामला जो है 3 स्टैंड रोड आवास से जो है वो निकल कर सामने आ रही है। 5 लाख के सामानों की चोरी जो हुई है और ऐसे में आपको बता दें कि आवास से लैपटॉप सहित कई सामान जो है वो गायब बताए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है अब कहीं और जाकर फंस गया है, क्योंकि आपको बता दें कि इस दौरान वृंदावन से 6 कलाकारों को बुलाया गया था। होली के मौके पर वृंदावन से 6 कलाकार अपनी प्रस्तुति देने के लिए बुलाए गए थे। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफील्ड रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफील्ड लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। और कई कलाकार जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे। सचिवालय थाने में इस बाबत जो है वो मामला दर्ज करा दिया गया है। और आपको बता दें कि 5 लाख रुपए के सामानों की चोरी हुई है। आवास से लैपटॉप सहित कई सामान गायब हुए हैं। वृंदावन से आए 6 कलाकारों पर ये अब आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से चोरी की घटना निकलकर सामने आ रही है, ऐसे में ये आरोप जो है वृंदावन से आए 6 कलाकारों के ऊपर लगाए जा रहे हैं। और होली में वृंदावन से ये कलाकार बुलाए गए थे अपनी प्रस्तुति देने के लिए, फिलहाल उसके बाद ये चोरी की घटना निकलकर सामने आई है। और वहीं इस मामले के बाबत सचिवालय थाने में ये जो है मामला दर्ज कराया गया है। तो फिलहाल आपको बता दें कि ये बड़ी खबर जो है वो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो हैं तेज प्रताप यादव, उनके आवास से सामान चोरी किए जाने का मामला उजागर हुआ है। ये पूरी घटना जो है 3 स्टैंड रोड आवास से हुई है, जहां पर 5 लाख के सामानों की चोरी की गई है। आवास से लैपटॉप सहित कई सामान जो है वो गायब कर लिए गए हैं। वृंदावन से आए 6 कलाकारों पर ये आरोप लगाए गए हैं। वहीं होली में ये सभी कलाकार जो हैं वो वृंदावन से बुलाए गए थे, वो अपनी प्रस्तुति देने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, तभी इस तरह की घटनाएं जो है वो सामने आई है। उसके बाद फिलहाल इस मामले के संज्ञान में आते ही सचिवालय थाने में इस बाबत जो है वो मामला दर्ज किया गया है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव के निजी सहायक ने सचिवालय थाने में ये मामला दर्ज कराया है। फिलहाल क्या कुछ अब तस्वीरें निकलकर सामने आती है और किस तरह इस पे संज्ञान लिए जाते हैं, ये तो फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो तेज प्रताप यादव से जुड़ी हुई सामने आ रही है कि उनके आवास से 5 लाख के सामानों की चोरी कर ली गई है। आवास से लैपटॉप सहित कई सामान जो है वो गायब बताए जा रहे हैं। और वहीं ये आरोप जो है वो वृंदावन से आए 6 कलाकारों के ऊपर लगाए गए हैं। होली के मौके पर ये सभी कलाकार जो हैं वो यहां पर आए हुए थे। फिलहाल इस मामले के उजागर होते ही सचिवालय थाने में चोरी का ये पूरा मामला जो है वो दर्ज कराया गया है। और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव की निजी सहायक ने सचिवालय थाने में इस बाबत जो है वो मामला दर्ज करा दिया है। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आती है और इस मामले पर किस तरह से जांच होती है और क्या कुछ नतीजे निकल कर सामने आते हैं, उससे भी हम आपको अपडेट कराएंगे।